हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। बहुत दिन से इस UFS ISP अडाप्टर के लिए बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स और स्टूडेंट्स को हमें जवाब देना पड़ रहा है, तो इसलिए सोचा मैंने आज इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना देता हूं, जिसमें मैं आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि ये UFS अडाप्टर किस तरह से वर्क करेगा, क्या इसका प्रोसीजर होगा, क्या ये पुराने बॉक्स के साथ काम करेगा या फिर ये नया बॉक्स है, या फिर किस तरह से इसे हम यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर, और इसके स्टॉक को लेकर के कि ये कब आएगा, इन सभी टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में आज बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज से 2 महीने पहले ही मैंने UFI के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बता दिया था कि UFI का जो बॉक्स अभी मार्केट में चल रहा है वो फर्स्ट जनरेशन है, और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जिस समय बॉक्स लॉन्च हुआ था तब से वही टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहा है, जो कि UFS टेक्नोलॉजी के लिए कॉम्पेटिबल नहीं है। और मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि अगर इसके लिए कोई अडाप्टर बनाया जाएगा तो वो बहुत ही एडवांस लेवल का होगा और उसको अलग से ही बनाया जाएगा, मतलब कि या तो UFI बॉक्स 2 आएगा या फिर वो पर्टिकुलर UFS चिप के लिए एक अलग ही डिवाइस बनाएंगे जिसका UFI बॉक्स से कोई लेना देना नहीं होगा। और अभी भी देखिए ऐसा ही है, क्योंकि जो अभी UFI का UFS अडाप्टर आया है उसमें पुराने UFI बॉक्स के सीरियल नंबर से उस अडाप्टर को लिंक किया जा रहा है। और देखिए, हो सकता था कि इस बॉक्स का नाम UFI बॉक्स 2 होता, लेकिन वो नहीं रखा गया, इसका नाम रखा गया UFI UFS Proc, मतलब प्रोग्रामिंग टूल। तो कोई भी उनके व्यूअर्स नाराज ना हो, इसलिए इसे बॉक्स 2 नाम नहीं दिया गया। और देखिए, इसको चलाने के लिए हमें UFI बॉक्स का जो पुराना बॉक्स है उसके सीरियल नंबर को इसके साथ कॉन्फिगर करना होगा, तभी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, इंडिया में ये अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अदर कंट्रीज़ में ये सेल हो रहा है। और देखिए, जो GSM सर्वर वेबसाइट है, जो कि सारे ही बॉक्स डोंगल का वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके ऊपर ये ऑलरेडी अवेलेबल है और उनके पास स्टॉक भी है। और GSM सर्वर के ऊपर इसकी प्राइस जो है 21,000 रुपये के समथिंग है, और इनके पास अभी बहुत सारा इसका स्टॉक अवेलेबल है। और देखिए, GSM सर्वर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं इसे कोई प्रमोट कर रहा हूँ और ना ही मैं आपको कोई प्रमोशन कोड दे रहा हूँ कि जिसके थ्रू आप इसे परचेस करेंगे तो मुझे कोई कमीशन मिलेगा, क्योंकि अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कभी भी मैंने किसी शॉप का, स्टोर का या किसी इंस्टीट्यूट का आज तक कभी कोई प्रमोशन नहीं किया। मैं हमेशा इस फील्ड में काम करने वाले टेक्नीशियंस के सपोर्ट के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उनकी मदद के लिए, मतलब उनकी हेल्प करने के लिए मैं हमेशा नॉलेजेबल वीडियो बनाता हूँ। मुझे प्रमोशन से किसी के फेक प्रोडक्ट को प्रमोट करना, इस तरह का काम मैं नहीं करता हूँ। मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आज तक कभी भी इस तरह के प्रमोशन नहीं किए कि किसी से मैंने पैसा लिया हो और किसी भी प्रोडक्ट को, सर्विसेज को या डिवाइस को मैंने प्रमोट किया हो, तो मैं इस तरह का काम नहीं करता हूँ। मैंने आपको बता दिया है कि अभी जिसे भी ऑर्डर करना है आप GSM सर्वर से इसे ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी प्राइस अभी 21,000 रुपये के समथिंग है, और आप इसे किसी भी कोरियर सर्विसेज के थ्रू बुला सकते हैं। GSM सर्वर से जितने भी जो ऑर्डर डिस्पैच होते हैं वो हांगकांग से होते हैं या सेंजन से होते हैं, तो इस तरह से वो चाइना से जो है अपने प्रोडक्ट को डिस्पैच करते हैं। और देखिए, इसे मैंने बता दिया है कि ऑर्डर आप जो है GSM सर्वर से कर सकते हैं, और वहाँ पर जितनी भी कोरियर सर्विसेज वो यूज़ करते हैं तो उसमें डिलीवरी टाइम 7 दिन से लेकर के 60 दिन तक, मतलब 7 डेज से 60 डेज तक का होता है। तो जितने भी उसके चार्जेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी आप देना चाहते हैं उसके हिसाब से उस पर ऑर्डर कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, रही बात इस UFS अडाप्टर की बात, तो अभी मैं इसे बाय नहीं करने वाला हूँ, ना ही मैं अभी इसके ऊपर कोई वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी इसका वेट करूँगा। बिल्कुल न्यू टूल है, मार्केट में आने के बाद इसके क्या फीडबैक होंगे उसको जानने के बाद ही मैं इसे बाय करूँगा, ना ही हम हमारा ऑनलाइन स्टोर पर अभी इसे सेल करने वाले हैं, क्योंकि जब तक हम खुद इस टूल से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, जब तक हम ना ही इसके ऊपर कोई वीडियो बनाने वाले हैं ना ही कोई ट्रेनिंग लेसन्स बनाने वाले हैं। और आप सभी को भी मैं यही कहूँगा, इसको ख़रीदने में आप जल्दबाजी ना करें, मार्केट में इसके क्या फीडबैक हैं, क्योंकि हो सकता है न्यू टूल है, कोई बग भी इसके अंदर आ सकते हैं, कोई एरर भी इसके अंदर आ सकते हैं, तो इतनी जल्दबाजी आप ना करें। जैसे ही हमें मार्केट में आने के बाद इसकी रिपोर्ट मिलती है कि अच्छा टूल है तो इसे ख़रीदने में कोई बुराई नहीं है। और देखिए, कोई भी टूल स्टार्टिंग में जब मार्केट में आता है तो वो महंगा ही होता है, तो इसलिए देखिए जितने भी जो टेक्नीशियंस हैं
इतने महंगे टूल को परचेस करने के बाद अगर आपको उसका सही रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। क्योंकि देखिए, हम दिन रात, हम टेक्नीशियन हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, कभी कभार हमें काम करने में भी फ़ोन के अंदर भी बहुत सी बार लॉस हो जाता है, कभी फोल्डर डैमेज हो जाता है, कभी किसी का फ़ोन डेड हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो देखिए, इस तरह से जल्दबाजी ना करें आप, इसके मार्केट में अच्छे फीडबैक आने के बाद ही जो है आप इसे परचेस करने के लिए सोचें। और देखिए फ्रेंड्स, UEFI UFS टूल के बारे में मैं आज से बहुत टाइम पहले ही बहुत सारी डिटेल दे चुका था कि ये पुराने UEFI बॉक्स के अंदर UFS चिप वर्क नहीं करेगा, इन्हें बहुत ही एडवांस लेवल का एडाप्टर बनाना पड़ेगा। और देखिए, ये जो UEFI का UFS टूल है वो ओल्ड बॉक्स में वर्क नहीं करता है, लेकिन उसके सीरियल नंबर को उसके साथ लिंक किया जाता है, जिसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और हमारे जो ऑनलाइन स्टोर का यूट्यूब चैनल है gsmclinic.com का, उसके ऊपर मैं आज से बहुत समय पहले ही इसकी इमेजेस शेयर कर चुका था। और कुछ दिन पहले ही मैंने UEFI UFS टूल के ISP अडैप्टर का शॉर्ट वीडियो जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने अपलोड किया था। और इस टूल को सेल करने के लिए भी रीसेलर के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए गए हैं, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी किया है। इसलिए देखिए, टूल काफ़ी महंगा है, डिवाइस महंगी है, और सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की जो न्यूज़ अभी चाइना से चल रही है, तो उस वजह से हर टूल, डोंगल्स, बॉक्स वगैरह महंगे हो रहे हैं। तो जितने भी जो रीसेलर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, तो वो भी देखिए उनके साथ भी परेशानी है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, जिस वजह से थोड़े से जो है प्राइस बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि इसकी बहुत टाइम पहले से ही एडवांस बुकिंग चल रही है, जिस वजह से जितने भी जो रीसेलर्स हैं, तो आप समझ सकते हैं। देखिए, मैं उन लोग के बारे में भी कुछ गलत नहीं कहना चाहता, वो भी अपनी जगह सही है कि जब इतना महंगा अगर कोई टूल आ रहा है तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, पहले से पैसा लगा करके उसकी बुकिंग करना पड़ती है, तो उन लोगों को भी हम गलत नहीं कह सकते। लेकिन देखिए, क्योंकि टूल काफ़ी महंगा है, तो मार्केट में अच्छे फीडबैक आने के बाद ही जो है आप इसे बाय कीजिए। और अभी ये GSM सर्वर पर, जैसा कि मैंने बताया, ये अवेलेबल है, वहाँ पर इसकी प्राइस कुछ 21,000 रुपये के समथिंग है, और आप इसे अगर कोरियर से ऑर्डर करेंगे तो लगभग 1,000, 2,000, 3,000, जो भी मतलब आप कोरियर सर्विसेज लेंगे तो उसके थ्रू जो है आपको थोड़ा चार्जेस इसका बढ़ जाएगा। लेकिन जो है GSM सर्वर पर, क्योंकि इनके जो ऑर्डर डिस्पैच होते हैं वो हांगकॉन्ग से होते हैं, तो आने में 7 दिन से 60 दिन तक का टाइम होता है। वैसे आप जो भी फास्ट कोरियर सर्विसेज लेंगे चार्जेस हाई होंगे, लेकिन आपको जो है ये टूल जल्दी रिसीव हो जाएगा। और देखिए, मैंने अभी इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी कहा था कि मैं ना ही GSM सर्वर से मेरा कोई लेना देना है, ना ही मैं उससे प्रमोट कर रहा हूँ, ना ही मैं आपको कोई मेरा ऐसा कोड दे रहा हूँ कि जिसके थ्रू आप उसे बाय करेंगे तो मुझे कोई कमीशन मिलेगा। मेरा GSM सर्वर से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट फॉर अपडेट। क्योंकि जितने भी लोग जो UFS अडाप्टर के लिए परेशान हो रहे हैं कि मार्केट में कब आएगा, तो GSM सर्वर पर यह बहुत टाइम पहले से सेल हो रहा है, आप चाहें तो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, टूल तो मार्केट में आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि टूल के प्राइस वगैरह को लेकर के टूल्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, या इसके पीछे कोई ट्रेजेडी है रीसेलर की और डिस्ट्रीब्यूटर्स की, तो देखिए वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन इससे पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि हम इस तरह के जितने भी टूल्स जो आते हैं, आए दिन इनमें कुछ ना कुछ अपग्रेड हो जाता है, कोई नया सॉफ्टवेयर आ जाता है, कोई नया अडाप्टर आ जाता है, जिसमें हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो देखिए, इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। ये आज से 2 महीने पहले एक वीडियो में मैं कह चुका था कि हमें चाइनीज़ टूल में या अदर कंट्रीज़ के टूल के या सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, हमें सेल्फ लर्निंग करना चाहिए, और इस फील्ड में काम करने के लिए हमें खुद को अपग्रेड करते रहना होगा, जिससे हम खुद के कोई सॉफ्टवेयर या डिवाइसेस आगे चल कर के डेवलप कर सकें। और आउट ऑफ इंडिया जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना, इंडोनेशिया, इनके भरोसे हमें नहीं रहना है, खुद के ऊपर काम करना है, खुद की स्किल को डेवलप करना है। थोड़ी प्रोग्रामिंग आपको सीखना पड़ेगी, जिससे आप आगे चल कर के अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं। और आगे चल कर के अगर हम कोई सॉफ्टवेयर या टूल बनाते हैं जो कि इंडियन हो, तो हम लोगों के लिए बेटर होगा और हमारे देश का पैसा बाहर जाने से बचेगा। तो बस मैं इतना ही इस वीडियो में आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके आप अपनी स्किल के ऊपर काम कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए, जिनसे हमें इस तरह के टूल के ऊपर जो है डिपेंड ना होना पड़े। क्योंकि जितने भी टूल्स के साथ इस तरह की जो ट्रेजेडी होती है कि रेट बढ़ जाते हैं, शॉर्टेज हो जाती है, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। हम एक नॉर्मल टेक्नीशियन हैं,
हम इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं कि हम इस तरह के 20,000 40,000 50,000 के टूल्स हर महीने परचेस करें, ना ही इतना ज़्यादा उनसे अर्न कर पाते हैं। बहुत से छोटे शॉपकीपर जो हैं वो इतना अर्न भी नहीं कर पाते। बहुत से हमारे यूट्यूब पर वीडियोस पर कमेंट्स आते थे कि हमने इजी जेटेक बॉक्स और यूएफआई बॉक्स को इंटरेस्ट पर पैसा लेकर के बाय किया और आज तक हम उसकी ईएमआई पे करें, जबकि उस समय 15-16 हज़ार रुपये के ये यूएफआई जेटेक मिल जाते थे। आज की डेट में हम बात करें तो इनका स्टॉक नहीं होने की वजह से रेट इनका डबल ही चल रहा है, तो बहुत सारी परेशानी इन टेक्नीशियंस को आती है। ऐसा नहीं है कि हम इन टूल को बाय कर लेंगे तो हमारा काम जो है 10 गुना बढ़ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। और ऊपर से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि किसी भी अनबिल्ड फ़ोन को या अननोन या किसी कोई भी ऐसा फ़ोन जिसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन मतलब कस्टमर बिल लेकर के नहीं आ रहा है और उसे हम अनलॉक करते हैं तो हमारे खिलाफ लीगल एक्शंस हो सकते हैं जो कि साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह के कामों को करने से बचें, और इतना भी ज़्यादा हमारे लिए ये टूल्स इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और फिर आगे चल के अगर कोई ट्रेजेडी हमारे साथ भी हो जाए। तो देखिए, इस तरह का काम करने से थोड़ा बचें और थोड़ा ध्यान रखें मार्केट में इस टूल के आने के बाद इसके क्या फीडबैक हैं, इसमें कोई बग या एरर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैन्युफैक्चर फॉल्ट तो नहीं है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद ही जो है आप इसे परचेस कीजिए। बस आज की वीडियो में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। Thanks for watching.